सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। नमस्कार, मैं शीला सिंधे, आप देख रहे हैं BK9 न्यूज। आज की ताजा खबर, भरत टेंट हाउस मंटप डेकोरेटर्स बिसाइड टूरिस्ट लॉज बसव कल्याण, प्राइमरी एंड हाई स्कूल फ्री एडमिशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री एडमिशन। सफा ट्रेडर ऑटो नगर सस्तापुर बंगला बसव कल्याण डीलर इन किसान डेयरी फार्म जामा मस्जिद के पास किला रोड बसव कल्याण। सभी हमारे BK9 न्यूज देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आपका पत्रकार सुधाकर सूर्यवंशी। अभी हमारे BK9 न्यूज चैनल कर्नाटक महाराष्ट्र से लाइव आ रहे उदगीर के माजी आमदार भारतीय जनता पार्टी के नेता मान्य श्री गोविंद अण्णा केंद्र साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, जैसा कि आपने हेल्प किया था माध्यम से कि श्री ईश्वर सिंह ठाकुर जी को भाजपा के प्रत्याशी थे सर, तो उनको वहाँ का टिकट मिल गया है सर बीदर साउथ से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप बीदर के अवाम? मैं प्रथम भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेता उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे ईश्वर सिंह ठाकुर को टिकट दिए, उन पर भरोसा रहा। और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि ईश्वर सिंह ठाकुर वो बचपन से लेकर भारतीय जनता पार्टी में है और कार्यशील, क्रियाशील और सक्रिय और संघर्षशील नेता है और लोगों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। वो पिछले बार भी वो टिकट मांगता था लेकिन पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ। जो कोई उम्मीदवार हमारी पार्टी में देते उसका दिल लगाकर प्रचार किया, उसको चुनकर लाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी पार्टी बीदर में गए बार हार गई, चुनाव हार गई। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक ईश्वर सिंह ठाकुर कभी घर में नहीं बैठा, वो संघर्षशील रहा, लोगों में रहा, लोगों के काम में रहा, जुड़ा रहा और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया। मैं उसको बहुत दिन से ईश्वर सिंह से जानता हूँ और मेरे प्रयास से मैं हमारा नेता, हमारे महाराष्ट्र के गणमान्य नेता देवेंद्र जी फडणवीस को भी उनकी सिफारिश किया मैं, और जो हमारे कर्नाटक के अभी प्रभारी है धर्मेंद्र सिंह प्रधान जी, उनको मैं 2-3 दफ़ा फ़ोन लगाया लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं। लेकिन मैं उनको पूरा SMS किया और उनको बताया कि ईश्वर सिंह ठाकुर जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, लोगों में रहता है और वो चुनाव जीत सकता है, उन पर आप भरोसा रखें, इतने मैं सिफारिश किया हूँ। लेकिन वो मेरी सिफारिश की वजह से नहीं है, उसमें गुण है, उसमें गट है और भारतीय जनता पार्टी का उस पर विश्वास रहने की वजह से, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, बोल के उसको टिकट मिला है सर। और मैं जी सर और क्या है बोले तो सर, जैसा कि उनके कांग्रेस का दमदार कैंडिडेट रहे रहीम खान जी, तो आपकी प्रतिक्रिया से बीदर डिस्ट्रिक्ट में अपने ईश्वर सिंह ठाकुर जीत हासिल कर पाएंगे सर, आपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पिछली बार वो चुनाव जीत सके रहे इनका, लेकिन इस बार नहीं जीत सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में बहुत काम हुए देश में, सारा देश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आपको मालूम है कि मोदी जैसा नेतृत्व हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, जिन मोदी साहब ने अपने देश की पूरी ऊंचाई, प्राइमरी एंड हाई स्कूल फ्री एडमिशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री एडमिशन। शादाब प्राइमरी एंड हाई स्कूल फ्री एडमिशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिले।